तो देखिए दोस्तों, दीपाली से पूछते हैं कि आपका अगर पैसा आएगा तो क्या लेने का प्लान है? ओहो, दीपाली पहेलिया से प्लान बने ले कि मेरा पैसा आएगा तो इधर उधर कुछ नहीं करिएगा, मेरा नाम लिखा जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, उसमें से जो पैसा बचेगा उसमें बोल रही है मेरा कनवाली और कपड़ा। ठीक है, तुम्हारे अकाउंट माला भी है। देखिए, सबका अपना अपना पैसा पर अधिकार रहता है, तो इसी तरह से मेरा बेटा का भी अधिकार है। रेलवे दे रही है तो इसी को दे देंगे, एडमिशन करा के जो भी बचेगा पैसा इसका चीज ले देंगे। नहीं बेटा, अभी देखिए पढ़ाई कर रही है और ये दीपाली के लिए टेबल बना दिए हैं पढ़ाई करने के लिए। कारपेंटर का भी काम जानते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए, आज के वीडियो में आप सबको बताएंगे कि जो भी रेलवे एम्प्लॉय को चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस मिलता है कितना मिलता है और कब मिलता है, किस महीने में मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के बारे में। कल भी, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आप सबको बताया था कि जो डीए बढ़ा है, 50% बढ़ा है, तो पहले तो कम मिलता था जो एजुकेशन अलाउंस है, पहले कम मिलता था, अब लेकिन बढ़ के 6,000 बढ़ के मिलेगा। पहले 27,000 मिलता था, अब 33,000 कुछ बढ़ के मिलेगा। जब जब से 50% डीए हुआ है, जब से, पहले 46% था, 46 था तो 4% बढ़ा, तो 50% पूरा हो गया। तो 50% बढ़ने पर बहुत सारा अलाउंस है जिसमें पेमेंट का बढ़ोतरी हुआ है, नाइट अलाउंस हो गया, चाहे हार्ड अलाउंस हो गया, रिस्क, ये क्या बोलते हैं, जो गेट पे ड्यूटी करते हैं उनका भी अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी, और ये कहीं दूसरे जगह ड्यूटी के लिए जाते हैं जिसको टीए बोलते हैं, तो सभी चीज़ में थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है, 25% का बढ़ा थे, इजाफा हुआ है। तो कल इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको अच्छी तरह से बता दिया था कि किस अलाउंस में कितना कितना बढ़ा है, ये सब अच्छी तरह से बता दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा कि किस अलाउंस में कितना बढ़ा है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप सबको बताएंगे कि जो बच्चे का एजुकेशन अलाउंस मिलता है कितना मिलता है, अब कितना मिलेगा, ये तो मैं आप सबको बता दिया कि 33,000 कुछ बढ़ के मिलेगा। और बाकी जिनका बच्चा हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है, तो पहले 80,000 मिलता था, अब 1 लाख प्लस मिलेगा। तो ये दोस्तों हर एक साल मिलता है, ये नहीं कि महीने महीने मिलेगा, हर एक साल मिलता है। और जब एग्ज़ाम रहता है बच्चे का, अभी चालू है, स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम, मार्च में एग्ज़ाम चालू हो जाता है, फिर जब दूसरा क्लास में जाते हैं तो एडमिशन कराने के लिए वही रेलवे एजुकेशन के तौर पे, फीस के तौर पे वो 27,000 पहले देता था, अब 33,000 कर दिया। तो वही इसी महीने में अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल मार्च से स्टार्ट होता है, और जुलाई तक आप ये एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशन, जो एजुकेशन फीस जो सरकार देती है, रेलवे सरकार देती है, वो आप जुलाई तक, जून तक ले सकते हैं, क्योंकि इस बीच में बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में, चाहे दूसरा स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, तो इसी दौरान में बच्चे का एडमिशन होता है, तो इसी दौरान में सरकार भी, रेलवे भी इसी टाइम में देती है एजुकेशन अलाउंस, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। ये LKG से मिलना स्टार्ट हो जाता है, LKG, UKG 1, 2 तक मिलना स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो छोटे बच्चे का PKG से स्टार्ट होता है, कोई कोई छोटे में ही स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, छोटा में PKG से स्टार्ट होता है, तो PKG का नहीं मिलेगा आपको, LKG से मिलना चालू हो जाएगा। जितने भी, जो भी बच्चा है, जैसे ज़्यादा भी बच्चा का नहीं मिलेगा, दो ही बच्चा का रेलवे पैसा देती है, दो से तीन अगर हो गया तो फिर तीसरा बच्चा को आपको
फीस के तौर पे नहीं दिया जाएगा। बाकी रेलवे और भी सुविधा देगी, हॉस्पिटल सुविधा, चाहे ट्रेन में जो पास बनता है उसका सुविधा मिलेगा, तीसरा को भी मिलेगा, चौथा को भी मिलेगा, लेकिन जो एजुकेशन के लिए फीस के तौर पे दिया जाता है, हर एक साल 27,000 दिया जाता था, अब 33,000 कर दिया है, तो 33,000 हर एक साल अब मिलेगा, तो दो ही बच्चे का मिलेगा, पहला और दूसरा, लड़का रहे चाहे लड़की रहे उससे कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन खाली दो बच्चे को आपको एजुकेशन के तौर पे पढ़ाने के लिए आपको रेलवे देती है। और तीसरा का आप खुद जुगाड़ कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ाना है क्या कराना है वो खुद कर सकते हैं, बस दो ही बच्चा का आपको एजुकेशन के तौर पे देता है। तो दोस्तों हम भी अभी फॉर्म भर के नहीं दिए हैं, अप्रैल में भर के देना है, अप्रैल, अभी तो मार्च है लेकिन सभी बोल रहे हैं कि अप्रैल से भरना चालू हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम खत्म होता है, एग्जाम खत्म होते ही फिर दूसरा क्लास में एडमिशन चालू हो जाता है, तो अप्रैल में भर के देंगे तो मई में, मई का पेमेंट में आ जाएगा। तो दीपाली के लिए LKG से भरना, इससे पहले वाले LKG में थी, तो LKG में जब एडमिशन कराए थे तो उस टाइम भी मिला था, और अभी UKG में गई है तो UKG का भी मिलेगा, तो अभी भर के नहीं दिए हैं। उसका फॉर्म रहता है, एक बोनाफाइड रहता है और एक अलग से एक और फॉर्म मिलता है, जो बोनाफाइड रहता है वो स्कूल से भरवा के देना पड़ता है। तो चलिए वो दो फॉर्म है दोस्तों, वो मैं आप सबको दिखा देता हूँ किस तरह से भरा जाता है और बोनाफाइड में क्या क्या रहता है, ये सब अच्छी तरह से आप सबको दिखा देते हैं और बता देते हैं। और उसके साथ एक और फॉर्म लगाया जाता है, जो जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। वो ये इसलिए लगाया जाता है कि आपका कितना फैमिली है, कितने बच्चे हैं, वो डिक्लेरेशन फॉर्म आप साथ में लगाइएगा। अगर दो से ज़्यादा है, अगर दो बच्चे से ज़्यादा है तो दो से ज़्यादा को तो नहीं मिलेगा, दो ही को मिलेगा, तो इसीलिए डिक्लेरेशन फॉर्म रेलवे मांगती है। जब आप एजुकेशन फॉर्म भर के दीजिएगा तो उसके साथ डिक्लेरेशन फॉर्म एक मांगती है, फिर जब भर के दीजिएगा फिर उसके नेक्स्ट मंथ आपका पेमेंट में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आप सबको दिखाते हैं कि वो कैसा फॉर्म है, किस तरह से भरा जाता है और बोनाफाइड किस तरह कैसा रहता है। तो देखिए दोस्तों, यही फॉर्म हुआ, अप्लीकेशन फॉर चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस, और देखिए पूरा दिखा देते हैं आप सबको। पहला नंबर में देखिए एम्प्लॉय का नाम लिखाता है, दूसरा नंबर में है एम्प्लॉय नंबर जिसको PF नंबर बोलते हैं, वो हो गया, डिग्निशन हो गया, कौन सा आपका डिपार्टमेंट है वो लिखने का है, और टिकट नंबर, बिल यूनिट नंबर, ये सब तीसरा नंबर में लिखने का है, तीसरा, चौथा नंबर में देखिए चिल्ड्रेन वन चिल्ड्रेन टू करके दिया हुआ है, दो बच्चे का, उसका नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, एड्रेस, स्कूल का एड्रेस लिखना है दोनों में। देखिए आप सबको बताते हैं, ये हो गया, इसमें नाम दोनों बच्चे का लिखाएगा, पहला बच्चे का और दूसरा बच्चे का, इसमें डेट ऑफ बर्थ पहले का दूसरे का, इसमें एड्रेस लिखाएगा कि कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है वो लिखाएगा, और क्लास भी लिखाएगा, क्लास इसमें लिखाएगा कौन सा क्लास में है, LKG से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और बाकी ये नीचे वाला हॉस्टल के लिए दिया हुआ है, हॉस्टल के लिए जो मिलता है वो दिया हुआ है, जो पहले 80,000 मिलता था अब 1,00,000 कर दिया गया है, तो वही हॉस्टल के लिए नीचे दिया है। और बाकी देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो रहेगा उसका भी कुछ नंबर रहता है वो लिखने का इसमें रहेगा, बाकी पैसा ये सब ऑफिस के द्वारा, यहाँ पे ये सब ऑफिस यूज के लिए है। और बाकी नीचे दिखाते हैं आप सबको, नीचे देखिए ये जो है, आप सबको जूम करके दिखाते हैं, और ये देखिए बोनाफाइड हो गया, प्रोफोमा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये स्कूल में ये प्रिंट निकाल के दीजिएगा, ये जो भी है उसमें ये स्कूल वाले भर के देंगे, आपके बच्चे का नाम होगा, रोल नंबर रहेगा, और आपके आपका नाम होगा, कब से कब तक क्लास हुआ है,
जैसे जो LKG हो गया, फर्स्ट हो गया, जिस क्लास में है, तो देखिए ईयर लिखा है यहाँ पे 23 से 24। बाकी पूरा स्कूल में वो भर के दे दिया जाता है, जो स्कूल वाले हैं जहाँ पे आपका बच्चे का एडमिशन हुआ है वो भर के पूरा दे देंगे, जो भी सिक्का मोहर रहेगा वो स्कूल का वो मार के दे देते हैं। बाकी यही दो फार्म रहता है दोस्तों, एक ये हो गया और बाकी एक ये हो गया। और इसमें जो ये फार्म है, इसमें मैं आप सबको बताया नहीं, इसमें देखिए नीचे में आपका सिग्नेचर होगा, नाम होगा, मोबाइल नंबर देने का है इसमें, जो पहला फार्म है उसमें। और ये दूसरा फार्म हुआ, ये दूसरा फार्म हुआ, तो इसको अलग निकालना है, और जो ऊपर में है इसको अलग निकालना है। तो इसको भर के देना है। एक तो डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, वो तो नहीं है अभी मेरे पास, अगर वो रहता तो वो भी मैं आप सबको दिखा देता। लेकिन एक ये वाला फार्म, एक ए फार्म और एक नीचे जो फार्म है बोनाफाइड, वो वाला दोनों भर के देना है, और दोनों का एक एक जीरोक्स करा के ऑफिस में जमा करने का है। ऑफिस के द्वारा यही तो बोला गया है कि जो फार्म है और एक जो बोनाफाइड है, दोनों को भर के और उसका एक एक जीरोक्स निकाल के उसी के साथ सबमिट करना है, जमा करना है अपना जो PVA ऑफिस है वहाँ पे। तो दोस्तों आप सबको दिखा दिए, यही दो फॉर्म रहता है चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस के लिए। ये दो फॉर्म भर के दीजिएगा, तो फिर जिस महीने में भर के दीजिएगा उसके अगले महीने का पेमेंट में आ जाएगा आपका। तो दोस्तों आप सबको दिखा दिए बोनाफाइड और जो फार्म रहता है वो किस तरह का रहता है, क्या क्या भरना पड़ता है, अच्छी तरह से मैं आप सबको समझा दिया और दिखा भी दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो भी रेलवे कर्मचारी है उनके फैमिली में किसको किसको रेलवे सुविधा किस तरह का देती है ये मैं आप सबको बता दिया। जैसे बच्चा है तो बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए दो बच्चे का देता है, बाकी रेलवे पास हो गया चाहे हॉस्पिटल का हो गया तो वो किसी को भी आप करवा सकते हैं, दो से ज़्यादा बच्चा है उसको भी करवा सकते हैं, ये सब सुविधा देती है रेलवे। लेकिन जब एजुकेशन का हो गया तो एजुकेशन के लिए दो ही बच्चे के लिए अलाउ है, अभी अभी तक तो दो ही बच्चे के लिए है। भविष्य में क्या होता है अगर चेंज होता है तो वो भी मैं आप सबको बताऊँगा। तो दोस्तों जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया। और आज का वीडियो दोस्तों आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं फर्स्ट टाइम, तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय दोस्तों।